महाशिवरात्रि पर्व की सभी दोस्तों को हार्दिक शुभकामनाएं। मैं गोविंद टाकले स्वागत करता हूं अपने चैनल नॉमेडिक टाकले ब्लॉग में। तो आज जो हमारे भद्रतुंगा में एक भव्य शिवरात्रि पर्व का आयोजन किया गया है, तो मैं उसकी पूरी झांकियां दिखाऊंगा। इसमें क्या क्या प्रतिभाग किया गया है वो सारा कुछ मैं आज के ब्लॉग में दिखाने जा रहा हूँ, क्योंकि आज माननीय विधायक कपकोट श्री सुरेश गड़िया जी भी यहाँ पर आई हुई है, और उसके साथ साथ हमारा जो लोकल के न्याय पंचायत क्षेत्र सूपी है वहाँ के समस्त गांव से यहाँ क्या आई हुई है, कलश यात्रा आई हुई है। मैं पूरा विवरण दिखाऊंगा आपको इस ब्लॉग में, जो ये है हमारा भद्रतुंगा में जो सरयू माँ के तट पर स्थित है, जो पवित्र स्नान के लिए जाना जाता है। यहाँ पे हमारा जनेऊ संस्कार, स्नान आदि कई धार्मिक क्रियाकलाप यहाँ पे होती हैं। तो मैं आज यहाँ पे दिखाता हूँ आपको पूरा मेरे यात्रा, और जो सिख कार्यक्रम की झांकियाँ हैं शुरू हो चुकी हैं। लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि जो यहाँ का जो कार्यक्रम हुआ आज पूरा देखने को मिला। झांकियों की शुरुआत है अभी, पहली झांकी आपके सामने पारंपरिक ढोल नगाड़ों के साथ। ये है पंचायत सूपी से सूपी गांव की झांकी, जो कि कलश यात्रा के साथ प्रवेश कर रही है भद्रतुंगा में। तो आगे आगे और भी झांकियां आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ पर आने का कष्ट नहीं, विधायक जी का बड़ा विशेष हो रहा है, और उसके बाद जो भी प्रोग्राम रखे हुए हैं मैं धन्यवाद अदा करता हूँ समस्त न्याय पंचायत सूची प्रधानों का और क्षेत्र पंचायत सदस्यों का और पूर्व प्रधानों का, सभी का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ, और बहुत बहुत धन्यवाद। कृपा करें, धन्यवाद। झांकी है संयुक्त न्याय पंचायत की, जो कलाई से होकर आ रही है भद्रतुंगा तक। इसमें शिव पार्वती के साथ साथ समस्त कलश यात्री पूरे न्याय पंचायत क्षेत्र के इसमें शामिल है। काफ़ी भव्य प्रयोग किया गया है इस बार महाशिवरात्रि के इस पावन दिन को भद्रतुंगा में। काफ़ी तरीके से इसको आज मनाया गया है, और ऐसा करते हैं कि आने वाले समय में भी इसी तरह से यहाँ पर हर साल महाशिवरात्रि हो या फिर अन्य कोई भी पर्व हो तो इसी तरह से भगवान शंकर की तपोभूमि शिव और शिव की और पार्वती की तपोभूमि में इस भद्रतुंगा, और थोड़ी देर में हमारे बीच में उत्तराखंड के लोकप्रिय विधायक हमारे कपकोट विधानसभा क्षेत्र से आदरणीय श्री सुरेश सिंह गड़िया जी पहुंचने वाले हैं। अभी वो आश्रम में पहुंचे हैं, वहां से यहां पहुंच के तब तक जो है इत्यादि कार्यक्रम चालू होना है वो चलता रहेगा। जैसे विधायक जी यहाँ से पहुंचेंगे, जोरदार तालियों प्रधान जी सूपी यदि हमारे बीच में है आवाज सुन रहे हैं तो कृपया मंच पर आकर माननीय विधायक जी का स्वागत करेंगे, और पूर्व प्रधान सोहन सिंह जी सूपी यदि हमारी आवाज सुन रहे हैं तो माननीय विधायक जी का स्वागत करेंगे। लाहौर से प्रताप सिंह जी हमारे बीच में है, तो आपसे निवेदन है कि माननीय विधायक जी के माल्यार्पण कर स्वागत करेंगे। बैचम से देवेंद्र सिंह जी ग्राम प्रधान जी बैचम से हमारे बीच में है, माननीय विधायक जी का स्वागत करेंगे। और खलजूनी से अमर सिंह जी यदि यहाँ पर है तो आप भी मंच पर आकर माननीय विधायक जी का स्वागत करने का आग्रह करेंगे। और नरेंद्र सिंह दामली जी आपसे निवेदन है कि हाँ हमारे विधायक जी के साथ उनके कार्यकर्ता और जो पदाधिकारी हैं आप भी यहाँ पर गड़िया जी हैं, आज गड़िया जी उनका भी माल्यार्पण स्वागत करेंगे।
मंडल अध्यक्ष कपूर और आपको बधाई, आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। उनके साथ पहुंचे हुए समस्त सामाजिक कार्यकर्ताओं, जन प्रतिनिधि का हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। आप सबसे निवेदन है कि आप अपने स्थान ग्रहण करने का आश करेंगे। यदि महाराज जी आ चुके हैं तो महाराज जी से भी निवेदन है कि आप भी मंच पाने का आश करेंगे। मैं सबसे पहले आप बैठे सभी लोग माननीय विधायक जी के आशीर्वचन को सुनेंगे। आप सबसे निवेदन है चटाई जो बिछी हुई है वहाँ पर बैठने का आश करेंगे। मंच के पीछे हेलो हेलो मंच के पीछे जो भी भक्तगण हैं, आप सबसे निवेदन है कि आप यहाँ पर बैठने का आदेश करेंगे।